हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मॉर्निंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक फॉल आया। ठीक है, एक फॉल आने के बाद मार्केट ने अपने सपोर्ट जोन्स को तोड़ दिया था। ठीक है, बट नीचे जो बुल्स थे वो एक तरीके से बंदूक लेके बैठे हुए थे कि आइए बेयर्स, हम आपका स्वागत करते हैं। और उसके बाद मार्केट ने, आप देखिए, कितनी अच्छी रिकवरी दिखाई। एक काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी थी ये। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए? आगे की रणनीति बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमें ये चीज तो एक क्लियर पता लग गई कि बिलो 15,500 के लेवल के, 15,500 लेवल के नीचे बुल्स बहुत ज्यादा हैवी हैं, बहुत ज्यादा पावर में हैं। तो हम जब तक ये लेवल टूट नहीं जाता कंप्लीटली, हम इसमें पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव हम निफ्टी के अंदर नहीं होने वाले। ठीक है, तो लेवल्स दोस्तों मैं आपके लिए बना देता हूँ। लेवल्स दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे, आप अपने स्क्रीन पर इनको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लेवल्स के अंदर मैं कोई चेंज नहीं लेके आया, एक मिनट में जरा इनको हटा दूं। देखिए दोस्तों, आप इन लेवल्स को अपनी स्क्रीन पर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे ही आपको 15,715 के अराउंड का लेवल ब्रेक मिलता है, दोस्तों मैं ये एग्जैक्ट, आप ये मत समझिए कि मैं 15,711 बोल रहा हूँ तो एग्जैक्ट इसके ऊपर ही ब्रेक हो जाए तो आप बाय कर लीजिए। ये एक जोन होते हैं, ये जोन पे जैसे ही मार्केट सस्टेन कर जाए तो आप इसमें एक अच्छी खासी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और अपना फर्स्ट टारगेट तो आपको पता ही है, 15,770 के लेवल का रखेंगे, और सेकंड टारगेट 15,830 के लेवल का। ठीक है, बट अगर दोस्तों मार्केट थोड़ी सी वापस नीचे गिरावट देनी चालू करता है तो मार्केट को सबसे पहले तो ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा जो कि 15,711 का ही है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक करने के बाद दोस्तों फर्स्ट टारगेट तो आपका यही हो जाएगा, बट जो सेकंड टारगेट है वो आप अपना 15,586 के अराउंड का रख सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों मैं आपको जाना सजेस्ट नहीं करूंगा जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं हो जाता क्लियर कट, जब तक हम इसमें एक अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, इंडेक्स पे, जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी एज इट इज आपके सामने वही लेवल्स हैं जो मैं आपके लिए कल लेके आया था, बस उनमें मैंने थोड़ी सी करेक्शन कर दी है। ठीक है, तो आप इन लेवल्स को भी अपनी स्क्रीन पर कॉपी कर सकते हैं और एक अच्छा इंट्राडे का टारगेट तो इनमें अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको, आप इसमें बाइंग इनिशिएट 34,558 के बाद के लेवल पे ही करेंगे, उससे पहले आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। बट अगर ये हमारे इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ेगा, अगर ये नीचे आया तो, और दूसरा कि 34,360 के लेवल को भी इसको दोस्तों ब्रेक करना पड़ेगा, और जैसे ये ब्रेक कर देगा ना तो आपका जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है वो आप इसमें कहीं ढूंढेंगे, और अपना जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे वो 34,140 के अराउंड का रखेंगे दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे स्टॉक्स की लिस्ट पे। तो स्टॉक्स के अंदर भी दोस्तों मैं मोस्ट प्रोबेबली बाइंग ही लेके आया हूँ आपके लिए, सेलिंग स्टॉक मैं आपके लिए नहीं लेके आया। जो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में दोस्तों हमें एक काइंड ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिल रहा है, आप देखेंगे तो एक रेंज के बाद ना, जैसा कि आपने हमारी फर्स्ट लेक्चर की वीडियो में देखा होगा कि मार्केट के वर्क करने का तरीका क्या होता है, हायर हाईज एंड हायर लोज। अगर आपने मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को ही अभी तक नहीं समझा है तो मैं अभी हमारे लर्निंग लेक्चर में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे लेक्चर वन को, और उससे धीरे धीरे लेक्चर की प्लेलिस्ट प्ले करके आप हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं जिससे आपको कुछ नॉलेजेबल कंटेंट प्राप्त होगा। दोस्तों आप इसमें देखिए, ये लोअर हाई, हायर हाईज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन देता हुआ ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों इसने वापस से अपने प्रीवियस हाई को रिटेस्ट करा है, और रिटेस्ट करने के बाद इसने यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया है। ठीक है, तो कल इसमें हमें एक क्लियर कट बाइंग साइड, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और बाइंग के बाद हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है अराउंड इस सपोर्ट जोन के जस्ट नीचे। ठीक है, और एक अच्छा 1:2 का टारगेट तो हम इसमें अचीव करके चलेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा। अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में दोस्तों ये जो सपोर्ट जोन मैं आपके लिए बना के लेकर आया हूँ ये मेक और ब्रेक लेवल है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आके दिखाता हूँ इसके बारे में, तो आप देखेंगे कि इसके ब्रेक होने के बाद ही मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग इनिशिएट हुई थी, देख रहे हैं आप। ठीक है, बट इसका हमें अभी तक एक बार भी रीटेस्ट नहीं मिला था, तो हो सकता है कि ये वापस इसको रीटेस्ट करने आया हो। ठीक है, और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन मूव दे, बट दोस्तों हमें इसमें थोड़ा सा मतलब सतर्क रह के चलना है, कोशिश रह के चलना है। अगर ये हमें हमारे सपोर्ट जोन को ब्रेक कर जाता है ना, और मोमेंटम भी कल मतलब निफ्टी में भी और हमें मतलब इंडेक्सेस में भी थोड़ी सी नेगेटिव साइड दिखती है, LIO फाइनेंस सेक्टर में भी थोड़ी नेगेटिवनेस दिखती है, तो हम इसमें शॉर्ट साइड भी अपॉर्चुनिटी इजीली ग्रैब कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को तोड़ देगा। ठीक है, तो आप इसमें दोनों साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम चेज कर सकते हैं। आपको इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखना पड़ेगा। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है InfoEdge। InfoEdge मैं आपके लिए दोस्तों क्यों लेकर आया हूं वो मैं आपको बताऊंगा। InfoEdge देखेंगे तो इसने हमारे इस प्रीवियसली सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया था, ब्रेक करने के बाद ही अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे वापस आके टच हुआ, और टच होने के बाद इसने एक रिट्रेसमेंट दी। ठीक है, रिट्रेसमेंट में इसको वहां जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट जोन थी वो रेसिस्टेंस जोन बन गया इसके लिए, और वापस नीचे आया। अभी ये सपोर्ट पे ही एक जोन में ही ऊपर नीचे खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारी आगे हमारी जो रणनीति है वो ये रहेगी, अगर दोस्तों कल हमें इसका जैसे ब्रेक आप देख पा रहे हैं कि 50 मिनट की कैंडल पे मिल चुका है, तो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है कल, ठीक है, तो हम इसमें वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, स्टॉप लॉस अराउंड इस रेजिस्टेंस जोन के जस्ट नीचे रखेंगे, और अपना टारगेट तो 1:2 का 1:1.5 का इजिली ग्रैब कर जाएंगे। तो दोस्तों इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कल दे सकता है। दोस्तों अब आते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे जो कि है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके दिखाऊंगा, तो मैं पहले इसको हटाता हूँ, आपको समझाऊंगा, उसके बाद बनाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, पावर ग्रिड में आप देखेंगे दोस्तों तो हमारी ये काइंड ऑफ ए ट्रेंड लाइन है, देख रहे हैं आप कितनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हो रही है, और वो भी डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों 2020 से अक्टूबर से हमारी ये ट्रेंड लाइन अच्छी खासी रिस्पेक्ट हो रही है। ठीक है, स्टॉक जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है एक अच्छी खासी बुलिशनेस दिखाता है। ठीक है, अब ये वापस आप देखेंगे तो ये वापस अपने इस ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है। ठीक है, अब इसमें हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आके समझाऊंगा। दोस्तों हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे, ये थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है दोस्तों कभी कभी ट्रेडिंग व्यू में कि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ऐसे हिल जाती है, तो दोस्तों आपने तो खैर देख ही ली होगी। ठीक है, तो उसमें आप ये देखिए कि उसके साथ साथ ना इस ट्रेंड लाइन को टच करने के साथ एक इसका एक टेम्पररी रेसिस्टेंस जोन भी है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था मैं आपको, इसका एक काइंड ऑफ ये सपोर्ट जोन भी है जो उसको प्रोवाइड हो रहा है। अगर दोस्तों कल ये यहां से ब्रेक करता है तो हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ठीक है, बट अगर ये इसके ऊपर से वापस सपोर्ट लेके एक न्यू अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन करता है ना, तो दोस्तों एक न्यू और हायर हाई देखने को मिलेगा हमें, जो हमारे लिए इंट्राडे के लिए साथ साथ स्विंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में सिर्फ इंट्राडे के लिए ही नहीं एक स्विंग ट्रेड के लिए भी बचा के संभाल के रखिएगा, और इसमें नजर बना के रखिएगा कि ये क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आप इसमें नो डाउट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बट अगर ये इसको ऊपर की तरफ वापस कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है ना, तो आप इसमें एक अच्छी खासी स्विंग अपॉर्चुनिटी और इंट्राडे के साथ ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्टॉक्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।